हेलो बच्चों, आज आप लोगों का इस प्रॉब्लम सॉल्व चैनल में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 का मैथ चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी एक्सरसाइज 5.6 का क्वेश्चन नंबर आज हम लोग 1 देखेंगे। तो चलिए देखते हैं इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। मैंने आप इंट्रोडक्शन में आपको बताया था इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, इन क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको सब कुछ बता चुका हूँ। अब चलिए हम लोग आते हैं इसके एक्सरसाइज क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग देखेंगे, सबसे पहले हम लोग का क्या है चलिए देखते हैं, पढ़ लेते हैं एक बार जो हम लोग को दिया है। इफ एक्स एंड वाई आर कनेक्टेड पैरामेट्रिकली बाय द इक्वेशन गिवन इन एक्सरसाइजेस 1 to 10 विदाउट इलिमिनेटिंग द पैरामेट्रिक फाइंड dy/dx हम लोग को दिया गया। तो चलिए हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले देखते हैं हम लोग को क्या फाइंड करने कह रहा है। dy/dx हम लोग को फाइंड करने कह रहा है, हम लोग को पैरामेट्रिकली इक्वेशन गिवन दिया गया है, x इक्वल टू 280 स्क्वायर, y इक्वल टू 80 के पावर कितना है 4 है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे सबसे पहले एक बार मैं आपको लिख के दिखाता हूं। x इक्वल टू कितना दिया गया, टू ए टी स्क्वायर। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, dy/dt dx/dt क्योंकि x है ना। हम लोग क्या कर रहे हैं, x को डिफ्रेंशिएट किया किसके रेस्पेक्ट में, t के रेस्पेक्ट में, क्योंकि यहां पे t है इसलिए t के रेस्पेक्ट में करेंगे। अब यहां पे क्या होगा, 2a तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, डिफ्रेंशिएट किससे होगा, t स्क्वायर का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, 2t होगा, 2 सामने आएगा t और इसके पावर में 1 माइनस कर देंगे, 2 में 1 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा। अब हम लोग का dx/dt कितना आ गया, 4at, dx/dt कितना आ गया 4at। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, याद रखिएगा, उतना हार्ड नहीं है, इसमें कोई रॉकेट मेथड नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है ना। चलिए देखते हैं, y इक्वल टू कितना है, at के पावर 4, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं t के रेस्पेक्ट में, dy/dt कितना हो जाएगा, a तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। अब क्या होगा, t के पावर 4 का डिफ्रेंशिएट करेंगे, कैसे करेंगे, देखिए 4 सामने आएगा, अब t के पावर में 1 माइनस कर देंगे, या 4 सामने आया t लिखे, अब t के पावर में 1 माइनस करेंगे कितना बचेगा, t के पावर में 1 माइनस करेंगे तो 4 है, 1 माइनस किए तो 3 बचेगा, कितना आ गया dy/dt 4at³। क्यूब को थोड़ा अच्छा से लिख देता हूं ताकि आपको दिखे। अब हम लोग को क्या फाइंड करना है, dy/dx कैसे फाइंड करेंगे, dy/dt अपॉन में dx/dt क्या हो जाएगा, dy/dt कितना दिया है, 4at³ अपॉन में कितना है dx/dt कितना है 4at। देखिए 4a से 4a कैंसिल, t से क्यूब कैंसिल, कितना बचा स्क्वायर, यानी कि कितना आ गया t का स्क्वायर, dy/dx कितना आ गया t स्क्वायर आ गया, dy/dx कितना आ गया t स्क्वायर आ गया। तो हम लोग का ये आंसर हो गया, ये हम लोग का क्या हो गया, आंसर हो गया। जल्दी से नोट कर लेंगे इसको,